से स्थान को ऋषिकेश का नाम दिया गया। यह भी माना जाता है कि ऋषिकेश पौराणिक केदारखंड का भाग है। इस स्थान में भगवान राम ने रावण को मारने के लिए घोर तपस्या करी थी। श्री राम के भाई लक्ष्मण ने गंगा नदी को एक विशेष बिंदु पर पार किया था जो कि लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश में। और गाइस, ये जो स्थान है, प्लेस है, यहाँ पे डेली शाम को आरती होती है। बहुत ही बड़ी संख्या पे यहाँ पे लोग आते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, गंगा नदी में दिए जलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे स्पीकर रखे हुए हैं, देखिए आप लोग। तो गाइस, यहाँ पे इतना सुंदर है, इतना पीस है कि यहाँ के मार्केट में जब हम गए, ये यहाँ का मार्केट है और मार्केट के जस्ट साइड में से रोड के साइड में गंगा नदी बह रही है। इतना सुंदर लग रहा है ये व्यू, आपको बता नहीं सकते। जस्ट इसके बाद से हम लोग यहाँ आएंगे, सामने लक्ष्मण झूला है, लक्ष्मण झूला के ऊपर से जाएंगे और गाइज आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग ये लक्ष्मण झूला के ऊपर से जा रहे हैं। जस्ट नीचे गंगा नदी बह रही है, ये लक्ष्मण झूला है। लक्ष्मण झूला ये 1888 में बना था, बट उसके बाद ये 1924 में फिर से बाढ़ आने के वजह से ये टूट गया था, फ्लड आने की वजह से। उसके बाद फिर से इसे 1927 में फिर से इसका निर्माण करवाया गया, फिर से स्टार्ट कराया गया काम में, और 1930 में ये फाइनली लक्ष्मण झूला ये वाला बन के रेडी हो गया।